की सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, या ये लोग देखना नहीं चाहते? भाई हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। कौन किस चीज में आस्था रखता है, कौन किस चीज में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। भाई मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, या ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना। भाई हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। आपकी संभवता जिस चीज़ में आस्था है मेरी उसमें नहीं होगी, या मेरी जिसमें है आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है भाई। कई लोग हैं जो बाबा पे विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबाओं पे विश्वास नहीं करते, वो छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी की आस्था, किसी के विश्वास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे। सरकार का काम है कि लोगों को उनकी ज़रूरतें मुहैया कराए, उनको सुविधाएं दे। क्या बिहार में तमाम और ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? क्या पूरी की पूरी सरकार कौन से बाबा आ रहे हैं, कौन से बाबा नहीं आ रहे, छोड़ दीजिए ना लोगों के ऊपर भाई। लोग देखेंगे, समझेंगे अपना, कोई आएगा मिलेंगे, नहीं आएगा नहीं मिलेंगे, ये लोगों के ऊपर है। पर जब सरकार जब इसमें हस्तक्षेप करने लगती है तो ये दर्शाता है, पूर्णतः ये दर्शाता है कि सरकार ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है जो सरासर गलत है। हाँ, रिट पिटीशन अब इनको डालने का याद आ रहा है ना कि जल्दी सुनवाई हो। भाई हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए? शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते हैं। और यही संभवतः कारण होगा कि इसका स्वरूप इतना कमज़ोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई होगी, और परिणाम स्वरूप न्यायालय ने इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि भाई अब आने वाले दिनों में सरकार की मंशा अगर रहती तो इसको और मजबूती से करती ना। सरकार की मंशा रहती तो जितने भी दल जो समर्थन कर रहे हैं सबको साथ में लेती। सरकार की मंशा रहती तो सर्वदलीय बैठक इसके ऊपर बुलाती। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है भैया। मुख्यमंत्री दिखाते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं।